कुम्हारी से टोल प्लाजा में ले रहे टोल शुल्क को लेकर दुर्ग निवासी समाज सेवी मुकेश तिवारी बुधवार को सुबह 11 बजे से टोल प्लाजा कुम्हारी के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह अनशन पर बैठ गए। समाज सेवी मुकेश तिवारी का कहना है कि पिछले कई वर्षों से NHE के द्वारा टोल वसूली की जा रही है, जो कि कतई अनुचित नहीं है और अनैतिक है, जबकि सड़क निर्माण का पूरा पैसा वसूल हो जाने के बाद भी अब तक लगातार टोल वसूल करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सड़कों की मरम्मत के नाम पर टोल लिया जाता है तो सड़कों की हालत कैसी है ये सभी देख रहे हैं। मार्ग के निर्माण को लेकर लगभग 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। निर्माता कंपनी द्वारा अब तक लागत से कई गुना अधिक टोल टैक्स की वसूली भी की जा चुकी है, जो कि बिल्कुल अनैतिक है। साथ ही उन्होंने यही बताया कि उनके इस आंदोलन को दुर्ग साहू समाज ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी अपना लगातार समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने शीघ्र ही इसे बंद करने की बात कही है और साथ ही बंद न करने की स्थिति में आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है। ईश्वर की प्रेरणा है से मैंने ये तय किया कि मनुष्य का काम है दूसरों को खुशी बांटना। मेरा जीवन अगर किसी के काम आ जाए तो अच्छा है। उनसे हमारा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा कल 11 बजे से। 11 बजे का सत्याग्रह है हमारा। अभी हम सिर्फ जल ग्रहण कर रहे हैं। कल 11 बजे से हम जल भी त्याग कर देंगे और आमरण अनशन शुरू करेंगे। सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं, तो बात माननी पड़ेगी। इस अनशन की जानकारी मिलते ही भिलाई 3 तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर, स्थानीय थाना प्रभारी JR कुर्रे मौके पर पहुंचे और उनकी बात सुनी। इसके पश्चात टोल प्लाजा के अधिकारियों से मिलकर जानकारियां ली। वहीं तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर ने बताया कि टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूली के खिलाफ दुर्ग के मुकेश तिवारी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की जानकारी मिली थी। उनके द्वारा वर्तमान में हो रही टोल की वसूली को अनैतिक करार दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि वसूली कितनी हो रही है, इसका क्या उपयोग किया जा रहा है, लोगों को इसकी कोई जानकारियां नहीं दी जा रही है। हमने टोल प्लाजा के अधिकारियों से बात कर आवश्यक दस्तावेज ले लिए हैं, जिन्हें उच्च अधिकारियों तक भेजा भी जाएगा। उनका जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करने की बातें कही। जो समाज सेवी है उनका जो है आपत्ति है कि जो टोल प्लाजा, इस टोल प्लाजा कुम्हारी में जो शुल्क वसूला जा रहा है वो जो है अनैतिक है, क्योंकि जो है जो राशि जो है जो शुल्क के रूप में लिया जा रहा है, ये जो है पहले से जो पूरा जो है जो रोड का जो मेंटेनेंस से लेकर जो वसूली हो चुकी है, अभी जो वसूल कर रहे हैं ये जो है इसका कोई जानकारी उनने मांगा और ना उनको दिया गया, ना बताया जा रहा है कि इस राशि का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसी के विरोध में कि ये वसूली गलत हो रही है वर्तमान में, जो राशि वसूल हो रही है उस राशि का वो लोग क्या उपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में जानकारी चाह रहे हैं और किसी के नहीं मिलने से जो स्वरूप जो है अंशन में बैठे हुए हैं, जिनको हमने समझाने का प्रयास भी किया और जो टोल प्लाजा है उनके जो 23% है उनसे हमने संपर्क किया और उनसे नियम कायदा हमने प्राप्त किया है। अब हम उच्च अधिकारियों से जो है चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो उनका निर्णय है वह तदनुसार कार्रवाई किया जाए। बहरहाल इस तरह के अनशन से कैसा प्रभाव पड़ेगा और सड़कों का और टोल प्लाजा का जो समस्या है उसका निवारण कैसा होगा, ये समय रहते पता चलेगा। ACN News के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।